अरे यार आप बीच में मत बोला करो यार, ऐसे बीच में नहीं आप बोले भाई, आप विद्वान है क्या? लगातार आदमी की चीजों को बहुत ज्यादा विद्वान की बजाय गोली मारा उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे, गोली क्यों मारी? सर्वोच्च स्थिति की आलोचना करिए जो न्यूनतम जला पा रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ बोलने तो दो, और झंडा उतारने से पहले दुर्गा मूर्ति खंडित हुई थी। मैं इसका भी ये भी गलत हुआ जो राम गोपाल मिश्रा कह रहे थे मुसलमान के घर के साथ ही रशीदी, मैं कह रहा हूँ गलत है। छत पर चढ़कर झंडा उतारना गलत है, झंडा लगा देते हो। मैं कह रहा हूँ साजिद रशीदी गलत है, मुझे कोई बुरे नहीं है कहने में। मुसलमान ऐसे कोई नहीं चढ़ते हैं ऊपर, वहाँ बाजाबता गेट लगे हुए हैं, रूप रहे हैं जाने का प्रतिमा विसर्जन का, और एक जगह नहीं हो रहा है ना, देश में हर जगह प्रतिमा विसर्जन पर रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती पर, पहले उनके वर्ष के जुलूस पर, गणेश प्रतिमा तक पत्थरबाजी हो रही है। आपने अपना एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर मतलब मार देना नहीं होता, एनकाउंटर मतलब मुठभेड़। मुठभेड़ हुई थी, पैर में गोली लगी है। नानपारा सीएससी के जो एमओआईसी थे उन्होंने कहा है कि पैर में गोली लगी है, उसके बाद जिला अस्पताल लाया गया है, उपचार चल रहा है। मैं बहराइची में रहता हूँ, करंट स्थिति यहाँ से 300 मीटर की दूरी से पे मेरे घर से अस्पताल है, उपचार चल रहा है। एसपी ने भी अभी 5 मिनट पहले स्टेटमेंट दिया है कि किसी की मृत्यु की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, पैर में गोली लगी है, उपचार चल रहा है। तो किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? अब आप पूछिए किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? करंट स्टेटस दे रहा हूं। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेटस हम पहले दे चुके हैं तारिक खान। और किसने कहा कि मृत्यु हो गई है? हमने कहीं चला क्या कि एनकाउंटर में कोई मारा गया? ये बड़ा बड़ा ग्राफिक देख लीजिए, एक के दाएं पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है, बहुत और स्टेटस कहिए तो वो भी आपको दे देगा। समझ में आता है। सवाल पूछा अखिलेश यादव पर पहुंच गया स्टेटस देने के लिए। स्टेटस ना दें, आप लोगों को जानकारी नहीं। स्टेटस दे दिया भाई, तारिक खान जी स्टेटस हमने दे दिया। आपके चैनल को कुछ नहीं पता है, कोई स्टेटस नहीं। नहीं सारा आप ही को पता है सर, चैनल वाला काम मत करिए ना सर। तारिक खान चैनल वाला काम हम पर छोड़ दीजिए, हमने स्टेटस बता दिया। और आपको लगा कि कोई जानकारी है तो आप जानकारी आपने बढ़ा दिया। अब सवाल का जवाब दे दीजिए जो सवाल पूछा था। एमओआईसी की क्लिपिंग सुनिए भाई, क्या सवाल का जवाब दे? मेरी मेरी आप इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तारिक खान आपने कुछ नया नहीं बताया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। चार चैनल चला रहे हैं कि मर गया मर गया, तो चार चैनल पर जाकर बोलिए, पता चल जाएगा। नहीं नहीं तारिक खान जो चैनल चला रहे हैं कि किसी की मौत हो गई है वहां पर जाके बोलिएगा, मेरे सामने मत बोलिए। ठीक है, सवाल हमने नहीं चलाई है, और हम कोई भी खबर सवाल बहुत क्रॉस चेक करके ही चलाते हैं। बिल्कुल क्रॉस चेक कर लीजिएगा चार बार तब चलाइएगा, नहीं तो एकदम चार बार करके चलाते हैं। मत सिखाइए सर चैनल का काम की बजाय अपनी बात। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद नविका मैम के साथ रहूंगा, उनको भी सिखा दूंगा। आप क्या है तारिक खान एक मिनट, तारिक खान की आवाज डाउन करिए। तारिक खान एक बात पहले बता दे रहा हूं सर, चैनल पर आकर चैनल कैसे चलेगा ये बिल्कुल तय मत किया करिए, और ना पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाया करिए, ना मुझे सिखाया करिए, और ना हमारे जो एडिटर इन चीफ है उनका नाम लेकर कुछ बोला करिए सर। ये आपको पहले मैं बता दे रहा हूं, पार्टी आपको भेजती है अपनी बात रखने के लिए, पार्टी आपको चैनल का काम सिखाने के लिए नहीं भेजती है। तो सर चैनल का काम हम पर छोड़ दिया करिए। नाविका जी सक्षम है, आपसे ज्ञान लेने की उन्हें जरूरत नहीं है, ना मुझे जरूरत है। चलिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार का फर्जी एनकाउंटर करने का तरीका है, इनकी इसको 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आप सुन लीजिए बात, ये सब दिखाना था कि पैर में गोली मारी, और ये सब नाटक सरकार का बहुत पुराना है। सख्त से सख्त सजा दीजिए जिसने हत्या की है, कोई डिफेंड नहीं कर कैसे रहा आपने है। तय कर लिया कि फर्जी? सरफराज ने अगर हत्या की है कैसे आपने तय कर लिया? तारिक खान सजा दीजिए, तारिक खान आपने कैसे तय कर लिया कि फर्जी एनकाउंटर है? कानूनी पैरवी के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सजा दीजिए। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ तारिक खान जी आपने कैसे तय कर लिया कि फर्जी एनकाउंटर है? उसी दिन जिस दिन हुआ उसी दिन पकड़ लिया गया था उसको भाई। अरे आपने कैसे तय कर लिया? दिखाइए क्लिपिंग, बड़ा मोबाइल दिखा रहे थे, थोड़ी ना मोबाइल उठाइए तारिक खान, मोबाइल उठाइए। आप जो है बाइट सुनवा रहे थे किसी का बयान, दिखाइए सबूत, फ्रेम क्लोज करिए। तारिक खान का सबूत दिखाएंगे कि 3 दिन पहले पुलिस ने उठा लिया था, एनकाउंटर कर दिया। तारिक खान सबूत दिखाएंगे, फ्रेम क्लोज करिए उनके मोबाइल का, मोबाइल उठाइए आप। तारिक खान आप हमें पत्रकारिता सिखा रहे थे, मैं आपको कह रहा हूँ आप पॉलिटिकल पर्सन है, गैर जिम्मेदारी से कोई बयान मत दीजिए, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप सबूत दिखाइए। आप मुठभेड़ का सबूत दिखाइए। नहीं नहीं मुठभेड़ पुलिस दिखाएगी, पुलिस जो कह रही है वो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठेकेदार नहीं मैं, अरे पुलिस एजेंसी है, और पुलिस का कहा मैं मानूंगा, अदालत जो कहेगी वो मानूंगा,
पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर किया तो अभी मैं एनकाउंटर मान के चलूंगा, जब तक कि ये एनकाउंटर आप फेक साबित नहीं कर देते हैं। आप साबित कर दीजिए तारिक खान, मैं आपकी लाइन पर चलूंगा। आप साबित करिए कि एनकाउंटर फेक है, मैं कहूंगा कि एनकाउंटर फेक है, आपकी लाइन पर चलूंगा। पहले साबित करिए, कोई सबूत दिखाइए। आप ये सबूत दिखाइए, जहां मुठभेड़ वीडियो दिखाइए वहां की आप दिखा दीजिए ना। ना मेरी बात का कोई वीडियो है, ना आपकी बात का कोई वीडियो। पुलिस की बात का पुलिस की बाइट है, ये सिंपल आरोप है। आप बाइट सुनवा रहे थे ना, चलिए खैर बाइट सुनवाई, करंट सिचुएशन की आपको बताया। ठीक है सर, तो वो करंट सिचुएशन मैंने बता दिया था। तारिक खान इन्फो ऐड नहीं किया आपने कोई, नहीं तो मैं सुन लेता उसको, नोट डाउन भी कर लेता। चलिए अनिल से, अभी तक अखिलेश यादव के बयान पर ये बोल नहीं पाए, अभी तक ये हाफ एनकाउंटर कह रहे, एनकाउंटर तो है ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे कि बोलना क्या है। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार की भाषा का या जिस प्रकार के स्वभाव का यहाँ पे अभी ये चित्रण कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उससे मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का, गुंडागर्दी करना, लाल टोपी की गुंडागर्दी, चाहे वो चैनल हो चाहे वो जमीन हो। ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर, इतनी गिरफ्तारी, इतने के पैरों में गोली लगी, फलाना ढिमकाना। अरे तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले आज पुलिस को भी पाठ पढ़ाएंगे क्या? अखिलेश यादव जी कह रहे पुलिस बिगड़ गई है, पुलिस बिगड़ गई, सब आपके समय तो बहुत सुधरी हुई थी, इसीलिए आपने कार्यसेवकों को गोलियों से भून दिया था, 2013 का दंगा भी करवा दिया था, मर गए उसमें, मुस्लिम भाई बहन भी मरे हैं, हिंदू भाई बहन भी मरे हैं, पता नहीं कितनी माओं के बेटे चले गए, कितनी पत्नियों का सुहाग उजड़ गया। हमें पाठ पढ़ाने चले कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको किस प्रकार से चलाना चाहिए। आज मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूँ और साधुवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस का, बहराइच पुलिस का, कि इन्होंने पांचों के पांचों को गिरफ्तार किया और दो जो भागने का प्रयास कर रहे थे गोली चली, एक्सचेंज ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, पुलिस आरती उतारे। अगर उधर से गोली चलेगी तो पुलिस उनकी आरती उतारे, माला पहनाए क्या, बिल्कुल बंदूक चलाई। और मुझे तो लगता है बंदूक की गोलियों में भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण आ गया है, छाती पे लगने की जगह पैर में लग रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का जादू गोलियों में भी चल रहा है, वो भी तुष्टिकरण करने लग गई है। ऐसे लोग जो केवल और केवल एक दूषित मानसिकता के तहत जो है, एक वहां पे प्रोसेशन निकल रहा है, हिंदू प्रोसेशन निकल रहा है, पत्थरबाजी नहीं अनिला जी, हम तो 5 किलो अनिला जी, तो आप ये कह रहे हैं शूट टू किल होना चाहिए था, ऐसे राजनीतिक दल है यहाँ पे राकेश जी? नहीं नहीं अनिला जी, आप कह रही है शूट टू किल होना चाहिए था कि चलाओ हिंदुओं के ऊपर, आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि शूट टू किल होना चाहिए था? मैं तो कह रही हूँ बंदूक की गोलियां में तुष्टिकरण कर रही हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल गर्व से कहती हूँ, तकरीबन 13,000 एनकाउंटर्स हुए हैं और उसमें तकरीबन 2007 या 10 जो है जो अपराधी है वो मारे गए और 11 कुछ हमारे जो सिपाही हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो शहीद हुए हैं। ठीक ठीक है, पर इन सब की वजह से क्या यहाँ पे कानून व्यवस्था को हम गड़बड़ा रहे हैं? तो तारिक खान ने जहाँ से शुरुआत की वो नोट आपको ठीक लगा, भ्रष्टाचार कि यहाँ पत्रकारिता का ज्ञान देने बैठ गए बजाय इसके कि सवाल पूछे, और अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को बिगाड़ दिया है, तो जरा बताइए फिर उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पुलिस मुलायम सिंह यादव जी के समय में बिगड़ी हुई थी। नहीं देखिए, अगर हम इसमें तारिक खान जी जो बात कर रहे थे ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक भी है, और एक इतना मतलब मर्यादा गरिमा को ताक पर रख के अपनी पार्टी के बारे में बोलने की बजाय ये बताना बिना देखे हुए, चैनल दिखा रहा है कि अभी जो एक बाएं और दाएं बैर में गोली मारी है, पुलिस बता रही है, पुलिस के बयान को दिखा रहा है और बैठ के सूचना दे रहे हैं और एडिटर तक का नाम लेते हैं, तो ये तो कई बार अपनी सीमा अपनी औकात भूल के लोग बात कर रहा है, समय है अपनी पार्टी को संभाले। देखिए अखिलेश यादव हो तारिक खान हो, अगर इस देश में कुछ दिन पहले सिरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, अगर उसकी आलोचना में ये खड़े होते, जिस ढंग से वहां डीजे बजाने को लेकर रोका गया है, रोकने पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर पर मूर्ति खंडित हुई है, उसके बाद हम लोगों ने कहा घर पर चढ़ के उतार रहा है, उसकी आलोचना की कि भाई किसी के घर पर हरा झंडा लगा हुआ है तो हम कौन होते हैं उसके उतारने वाले, अगर गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करना। लेकिन उसके पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ है, अगर उसकी आलोचना किसी ने भी एक शब्द में की हो, अखिलेश यादव के मुंह से निकला हो कि जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, तो आप बता दीजिए किसी भी, चाहे वो चिश्ती साहब बोल रहे हो, हमारे
किसी भी एक बयान में एक ट्वीट में बता दीजिए। नहीं, चिश्ती पर तो मैं अलग से आऊंगा, क्योंकि उन्होंने जाकर जो कहा है वो एक अलग सीमा लानी है। केस का देखो ना, इतनी बर्बरता से और बहराइच पुलिस की ऊपर प्रशंसा कर रहे हैं। बहराइच पुलिस को मान लीजिए अगर वो इलाका है उसमें समस्या हो सकती है, बहराइच पुलिस को एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। पत्थर चल रहे हैं, मूर्ति खंडित हो रही है, गाली गलौज शुरू हो गया है, बहराइच पुलिस कहां थी उस समय? और जब जब दूसरी ओर से हंगामा हो रहा है तो बहराइच पुलिस जो है यात्रा में शामिल हुए लोगों को पीट रही है, और बहराइच पुलिस जो है बयान जारी कर रही है कि लोग सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं, केवल गोली लगने से मृत्यु है। गोली लगने से मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है, उनके बयान है एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कि आंख के ऊपर जो है नुकीले चीज से वार है, पैर के दोनों अंगूठे के जो है नाखून उखड़े हुए हैं। तो यह झूठ कैसे है? तो इसलिए बहराइच पुलिस जो है इस समय कुछ भी करे और इनकाउंटर के ये झूठ कहे सच कहे ये इनका काम है, ये कहते रहेंगे। लेकिन इनकाउंटर को झूठ इस समय कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों ने बर्बरता पूर्वक 32 या 36 जो है, नहीं नहीं एक चीज और है, अखिलेश यादव ने कहा देखिए कि पुलिस को बिगाड़ दिया है। सुनो, तो मुलायम सिंह यादव जी के समय 450 अगर मैं ठीक हूँ, जाना ही नहीं है फंसना। वो तो हमने ही किया कि 2015 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड फेक इनकाउंटर कोर्ट प्रूव्ड, 2015 में सबसे ज्यादा जो कोर्ट में प्रूव्ड हुआ फेक इनकाउंटर, वो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा उसमें मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़ी है, लेकिन उसमें मैं जाता ही नहीं हूं। ये घटना इनकाउंटर का है नहीं कि उस पर हम चले जाए। ये घटना तो यह है कि देश में क्या मध्यकाल की जो वो इस्लामी कट्टरवाद है फिर से पैदा हो रहा है कि हमारे घर के सामने भगवा झंडा नहीं गुजरेगा। मैं हिंदू हूं तो कहूं मेरे घर के सामने से हरा झंडा नहीं गुजरेगा, हमारे घर के सामने डीजे नहीं बजेगा, बीजेपी का गाना गज रहा है, मूर्ति कैसे यहां से ले जा सकते हो? ठीक है, क्योंकि देश में इसके बाद मैं आपने जिस नोट पर लाकर छोड़ा है मैं रशीदी साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले चूंकि पॉलिटिकल वाले सवाल हो जाए, वरुण पुरोहित जी अजय राय तुरंत आ गए कि फर्जी एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है। अविनाश पांडे तुरंत आ गए कि रोज एनकाउंटर हो रहा है। 2015 का जो कोर्ट किया तब नहीं पूछा था, तब तो कोर्ट प्रूफ है। एक एनकाउंटर फेक प्रूफ हुआ है कोर्ट में या किसी जुडिशियल कमीशन में? देखिए राकेश जी, इसके दो पार्ट है। पुलिस ने जो पार्ट बी की एक्टिविटी की है, किसी आरोपी को फटाफट पकड़ाया, उसका एनकाउंटर किया, वो तो उनकी एक प्रशासनिक चतुरता दिखाता है, फास्ट स्पीड से उन्होंने कार्य किया, ये अच्छी बात। लेकिन ये क्राइम घट क्यों रहे? पार्ट ए जो है, क्राइम होता है उसके बाद एनकाउंटर होता है, तो क्राइम हो कैसे रहा है? इसका मतलब प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है, तो निकम्मी नकारा सरकार 7 साल से कर क्या रही है? रोज कोई ना कोई क्राइम होता है, फिर बाद में दिखाती है हमने एनकाउंटर कर दिया। पर जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को जो है एनकाउंटर अगर फेक है तो उसका जुडिशियल प्रोब कराना चाहिए। जो विधानसभा के सदस्य है, विपक्ष के नेता है, वो तो विधानसभा में इसके प्रश्न आप मान रहे हैं कि अजय राय ने आपकी पार्टी के यूपी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने गलत कहा, अभी नहीं कहना चाहिए था, और अगर कह दिया तो चुनाव की वजह से कह दिया? नहीं, चुनाव की वजह से तो ये सब चीजें हो रही है, हो क्या रही है? आप मुझे एक ब्राह्मण तो बोलिए ना कि अजय राय ने भी चुनाव की वजह से कह दिया। नहीं, अजय राय की फिर वो आप उसको कांग्रेस पे क्यों ले जाने चाहो? बीजेपी क्यों? अजय राय किसके? बीजेपी के नेता है, सपा के नेता है, कांग्रेस। अरे भाई, मैं सपा के नेता है, फिर वही आप, मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियां यही कर रही हैं। आप अजय राय को कांग्रेस समर्थक प्रशासनिक फेलियर है कि नहीं? कांग्रेस प्रशासनिक फेलियर है कि नहीं? भारतीय योगी सरकार की नकारा निकम्मी सरकार का प्रशासनिक फेलियर है, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे उस पर भी चर्चा, उदय जी ने पहले कह दिया कि बहराइच पुलिस क्या कर रही थी, दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थरबाजी हो गई, हो गई बात उस पर। वरुण जी, आपसे अजय राय अविनाश पांडे पर पूछ रहे हो, आप चले जा रहे हैं बीजेपी पर, आप चले जा रहे हैं सपा पर कूद कर। योगी सरकार को भय भय कर रहे हो, कौन सा भय? योगी सरकार का रोज क्राइम हो रहा है तो फिर तो सर अजय राय बताइए ना कौन सा भय है? क्यों कह दिया अजय राय ने कि फर्जी एनकाउंटर है? तो पहले कह दीजिए कि गलत कह दिया, फिर मैं आप जो कहेंगे सुन लूंगा। मैंने, आप मेरी बात सुन लो, मैंने क्यों कहा उसका इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो। मैंने कहा पार्ट ए जो है, क्राइम घटित क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों हो रहा है, जो क्राइम आ रहा है देश के अंदर, यूपी के अंदर स्पेशली, हर जिले, कभी बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कभी रेप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी डकैतियां हो रही है, उसके बाद कहते हैं एनकाउंटर हो गया। तो आम जनता और जो विपक्ष होगा, उस जो सरकार की विश्वसनीयता है वो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। अब आप क्राइम नहीं घटित हो रहा हो और मुठभेड़ हो रही है तो समझ में, हर रोज क्राइम, रोज क्राइम, रोज क्राइम, फिर दो चार एनकाउंटर दिखा देते। अरे भाई, क्राइम नहीं है, सुनिए, बहराइच में जो कुछ भी हुआ है ये अपराध नहीं है, ये तो एक कट्टर मानसिकता जो है मजहब की उसका प्रकटीकरण है।
और उसके प्रकटीकरण से सारी चुपचाप वहां से प्रतिमा गुजर जाती, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप साजिद रशीदी, अब रुक जाइए वरुण जी, अब साजिद रशीदी, सरवर चिश्ती का बयान आपने सुना होगा, कह रहे फूल नहीं बरसाएंगे। पहले तो दुर्गा मूर्ति पर पथरा हुआ था, मूर्ति खंडित हुई थी, फिर तो इधर से नारे अगर कुछ लग भी गए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो मार देंगे किसी को और उसके बाद न्यूटन का लॉ सिखाएंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, दो तीन सवाल छोड़ रहा हूं मैं। एक तो राम गोपाल मिश्रा को ऊपर चढ़ने की इजाजत किसने दी? मार देंगे, चढ़ गया तो। झंडा उतारने की इजाजत किसने दी? रेलिंग तोड़ने की इजाजत किसने दी? नहीं, चढ़ गया तो गोली मार देंगे। और सुन लो मेरी बात, नहीं, नहीं, मैं सुन ही रहा हूँ सर। वक नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। नहीं, नहीं, आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल, डिबेट इसी तरह होती है। रामगोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़ के गलती की, मैं कह रहा हूँ, तो गोली मार देंगे आपको? आपको बीजेपी से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है क्या? नहीं नहीं, आपको मिलता होगा सर। क्यों नहीं चाहते? आपको मिलता होगा किसी संगठन से? साजिद रशीदी, एक सेकंड नहीं बोल रहे थे? एक सेकंड नहीं, नहीं, एक सेकंड नहीं, आपको एक मिनट बोलने दे रहा हूं भाई। सवाल पूछ दिया आपने, एक सवाल पूछा, एक सवाल इधर से कर दिया। आप एक सेकंड नहीं सुनना चाहते? अरे आप 100 सेकंड बोलिए भाई। तो सवाल करने तो दो मुझे, जो जो सवाल कर रहा हूँ। चलिए करिए ना, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब। करिए करिए भाई, मेरे भाई मैं सवाल कर लूं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनिए, एक तो राम गोपाल शर्मा मिश्रा का वहां चढ़ना, पुलिस उसको तमाशे से देखती रही, वहां डीजे बजता रहा, वहां योगी मोदी के नारे लगते रहे, प्रशासन उसको देखता रहा, ये सब संयोजित योगी था। मोदी का नारा लगे कोई ऐसा नहीं था कि भैया गोली मार देंगे, गोली चला देंगे, पत्थरबाजी कर देंगे। कराया गया है, ये कराया गया। अरे यार, आप बीच में मत बोला करो यार। कैसे बीच में नहीं बोले भाई? आप विद्वान है क्या? आप क्यों बोल रहे हो हर बात आदमी के बीच? चीजों को उसकी आलोचना की बजाय गोली मारा उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। गोली क्यों मारी? अपनी मानसिकता को अपने पास रखिए। हमला किया है, अपनी मानसिकता, एक शब्द नहीं, अपनी मानसिकता को अपने पास रखिए। नहीं नहीं नहीं, अपनी बात रखिए, हमने ऐसी बात की है तो आप काटिए मेरी बात। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी डिबेट है। अरे साजिद रशीदी सुनिए ना, आपने तीन चार सवाल किए, आपका सवाल नोटिस हो गया। जिसकी मानसिकता खराब हो उसकी। अरे सुनिए ना सर, मानसिकता का पाठ मत पढ़ाइए। मानसिकता तो खराब है। अब सुनिए ना, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, आप मानसिकता का पाठ मत पढ़ाइए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपने जो तीन चार सवाल किया, आपके सवाल खराब है आपकी। अरे रुकिए ना सर प्लीज, यहाँ पर मॉरल एजुकेशन की क्लास नहीं चलती है कि आप मानसिकता पढ़ाएंगे? तो सवाल सुनिए, आपने तीन चार सवाल किए, वो सवाल आपके नोटिस हुए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और बिना आए बाएं दाएं जाए जवाब दीजिएगा। रामगोपाल मिश्रा को मारा गया, क्या ये ठीक हुआ? पूछो, बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। तो फिर मैं कब कह रहा हूं सही हुआ? तो पहले सर्वर चिश्ती की आलोचना करिए। चलिए, सर्वर चिश्ती की आलोचना करिए, जो न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे थे। प्रशासन उसको हरा झंडा उतारने की इजाजत न देता। मैं पूछ रहा हूं, सुनो, सर्वर चिश्ती की आलोचना करिए, जो न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने तो दो। और झंडा उतारने से पहले दुर्गा मूर्ति खंडित हुई थी। मैं इसका भी, ये भी गलत हुआ जो रामगोपाल मिश्रा कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ गलत है। तुम्हें तो भाई भरपूर मिलता है कहीं से। साजिद रशीदी प्लीज, ना बीजेपी के, ना समाजवादी के प्रवक्ता को बोलने देते, ना कांग्रेस के प्रवक्ता को, ना मुझे। तीनों आदमी, बीजेपी का आदमी जो भी बोले, अवधेश मिश्रा जो चाहे बोले, आप खामोश रहते हो। अरे हमें बोलने नहीं देते, आप क्यों नहीं बोलने देते भाई? भाई बोलने तो दे रहा हूँ, पिछले दो तीन मिनट आपके पास हूँ। आप एक मिनट नहीं बोलने देते? मैं 30 सेकंड चलिए अनइंटरप्टेड आपको दे रहा हूँ। कहाँ बोलने दे रहे हो? 30 सेकंड, एक मिनट चाहिए साजिद रशीदी अनइंटरप्टेड। अगर राम, लेकिन सर्वर चिश्ती की आलोचना करिए, कहिए जिसने गोली मारी अगर उसने गलत किया। चलिए बोलिए, एक मिनट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे चुप तो रहोगे जभी तो करूंगा, चुप रहोगे जभी तो करूंगा। मैं कह रहा हूं उसको गोली लगी गलत है, लेकिन गोली लगने की वजह जो पुलिस ने उसको छूट दी है ऊपर जाने की, यही तो वजह है क्यों दी गई छूट ऊपर जाने की। वो कोई एक सेकंड में तो उतार नहीं दिया उसने झंडा, उसने बाकायदा रेलिंग तोड़ी है भाई, सारी वीडियो बनी हुई है उसकी। ये सब पुलिस प्रशासन का खेल ही तो है, जानबूझकर कराया गया है ये सब। आप क्यों कह रहे हैं उस बात को? उसको आप भी कहिए ना कि गलत है। तो मैं तो कह रहा हूँ गलत है साजिद रशीदी, मुसलमान के घर के साजिद रशीदी, मैं कह रहा हूँ गलत है। लगाना छत पर चढ़कर झंडा उतारना गलत है। ऊपर झंडा लगा देते हो, मैं कह रहा हूँ साजिद रशीदी गलत है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में। और दूसरी बात, ये 13 अक्टूबर में जुलूस निकल गया था, 14 अक्टूबर में लाठी डंडे लेके क्यों निकले आप भाई? अच्छा, एक बात बताइए, 14 अक्टूबर में क्यों निकले? एक बात बताइए साजिद रशीदी, 13 में निकल गया साजिद रशीदी, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी 14 में क्यों निकले? आप कह रहे हैं छत पर चढ़ गया, 14 में रेलिंग तोड़ दी, झंडा बदल दिया, और देवजी ने भी कहा गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है।
लेकिन इन सबसे पहले दुर्गा विसर्जन पर जो पथरा हुआ, 13 में जुलूस हो गया, 13 दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर जो पथरा हुआ, मूर्ति खंडित हुई, वहां से ये विवाद शुरू हुआ। कोई पथराव नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ, सब 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 बीजेपी के लोग करा रहे हैं। साजिद रशीदी यही मानसिकता खराब है, वो जो और इसी मानसिकता से चीजें बढ़ती है, पत्थरबाजी हुई है, उसके प्रमाण उपलब्ध है उसके। अरे भाई सुनिए, मुसलमान ऐसे कोई नहीं चल के आए ऊपर, वहाँ बाजाबता गेट लगे हुए हैं, रूप तय है जाने का, प्रतिमा विसर्जन का, और एक जगह नहीं हो रहा है ना, देश में हर जगह प्रतिमा विसर्जन पर, रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती पर, पहले दिन के वर्ष के जुलूस पर, गणेश प्रतिमा तक पत्थरबाजी हो रही है। आपने अपना ऐसा समाज बना लिया है जो दूसरे समाज के धर्म यात्राओं को, धर्म के काम को सहने के लिए तैयार नहीं है, उन पर हमले कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि कैसे चढ़ गया है। ठीक, अब आप नफरत फैलाने वाले लोग नहीं, अच्छा ठीक है ना, नहीं उधर से हो जाए तो सरतन से जुदा किनारे लग गए। अब यहाँ से अवधेश जी आईना अगर दिखा रहे हैं, भैया अवधेश जी अगर आईना दिखा रहे हैं कि दुर्गा पूजा पर पथराव हो गया, आप उसे खारिज कर दे रहे हैं कि पथराव ही नहीं हुआ। नहीं दिखा रहे हैं, जिनके पास खुद के पास आईना नहीं है, जिनकी शक्ल दूषित है, चलिए शक्ल का पार्ट मत पढ़ाइए सर, आप सारी शक्ल संभाल के रखो, ये गाली गलौज के लिए डिबेट नहीं है, साजिद रशीदी ये व्यक्तिगत गाली गलौज के लिए डिबेट नहीं है, कि किसकी किसकी शक्ल क्या है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं कोई व्यक्तिगत बात नहीं। तारिक खान, एक बहुत सीधी सी बात है, दुर्गा पूजा पर पथराव होता है, मूर्ति खंडित होती है, मानसिकता क्यों हो गया ऐसा, आप लोग नहीं बोलते हैं, आलोचना नहीं करते। रामगोपाल मिश्रा चढ़ गया, गलत किया तो गोली मार देंगे। जब ये देखिए, सबसे बड़ी गलती, जब ये लड़का ऊपर चढ़ा तो नीचे चार पुलिस वाले खड़े थे, चार, ठीक है, और वो सिर्फ खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तत्काल उसको रोकना चाहिए कि ये चीज गलत हो रही है, किसी की हत्या करना, वो छत पे चढ़ा था, उसके बाद हत्या कर दी गई, और निंदा की जा रही है इस बात को समझिए। हत्या को किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी धर्म के लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, भले हिंदू हो या मुसलमान, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है एकदम भी, किसी भी सूरत में हत्या, तो हत्या करने वाले के बारे में नहीं बोल रहे हैं तारिक खान। दुर्गा पूजा पर जिसने पथराव कर दिया उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, एनकाउंटर हो गया तो तुरंत मीडिया के सामने आके, हाफ एनकाउंटर है तो फर्जी एनकाउंटर है तो 10 बातें हो जाती हैं। हत्या करने वाले के लिए हमारे देश में कानून है फांसी देने के, आप दिलवाइए, कोई उस पे कौन एतराज कर रहा है, हत्या को कौन जस्टिफाई कर रहा है, नहीं किया जा सकता हत्या को जस्टिफाई, मैं कह रहा हूँ, मगर इस चीज को रोका जा सकता था पहले ही, नहीं रोका गया, पुलिस वहां खड़ी थी नहीं रोका गया, जिसने गोली मारी वो भाग गया नहीं रोका गया, वहां पर ये कहा जा रहा था मुल्लो भागो पाकिस्तान, नारे लगाए जा रहे थे नहीं रोके गए, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकता था, ये बवाल न होता। बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुआ, हो ये भी सकता था,